अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ड्रामा सीरियल रोमियो विद सीर की नई प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि रोमियो की मामा फ़ोन करती है पुलिस स्टेशन और कहती है कि आपको कुछ पता भी है? तो उधर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ हाँ हमें पता है आपके बेटे की शादी है। लेकिन रोमियो की अम्मी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आपको मजाक की सूझ रही है। तो दूसरी तरफ रोमियो की दोस्त हीर से कह रही होती है कि शायद रोमियो कोई ट्विस्ट पैदा करना चाहता है, शायद वो कोई नई तरकीब सोच रहा है। तो हीर कहती है कि ऐसी कोई तरकीब हो ही नहीं सकती जिसमें हीर ना हो। दूसरी तरफ फरियाल तैयार खड़ी होती है दुल्हन के जोड़े में, और शायद फरियाल रोमियो से शादी की तैयारी में है। पुलिस आता है रोमियो के घर। रोमियो की अम्मी उन्हें कहती हैं कि हमारा बच्चा गुम हो गया है, हमें वो चाहिए किसी भी तरह। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि हमें थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए, हो सकता है कि अगवाकारों का फ़ोन आ जाए। और जब वो ये बात सुनती हैं तो दिल ताम कर रह जाती हैं। दूसरी तरफ एलिफेंट कहता है कि मैंने उसके फ़ोन पर भी ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। तो उधर हकीम साहब और उसके घर वाले इंतज़ार में हैं कि बारात कब आएगी, लेकिन बारात है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। रोमियो जब होश में आता है तो पूछता है कि मैं ये कहाँ पर हूँ। तो फरियाल कहती है कि तुम अपने घर में हो, अपने कमरे में हो। तो रोमियो हैरान रह जाता है कि ये सब फरियाल क्या कह रही हैं। वो कहता है मुझे जाना है, मेरी शादी है आज, मेरी बारात है। तो फरियाल कहती हैं कि तुम्हारी शादी तो हो चुकी है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझसे तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब आप बताइए कि हीर और रोमियो का क्या बनने वाला है? क्या रोमियो हीर के पास वापस चला जाएगा या फिर फरियाल कोई नई चाल चलने वाली है? कमेंट में अपनी राय का इजहार करना ना भूलेगा। आपको हमारी